आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीना नेगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। तो हो गई है आज के ब्लॉग की शुरुआत, और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 9 बजे से, या 9:30 हो रहे हैं शायद। तो अभी कर रहे हैं हम लोग नाश्ते की तैयारी, और आज संडे तो विद्यु के पापा की आज ऑफिस की छुट्टी, इसलिए मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का बना देते हैं। तो रितु को फरमाइश थी कि हम मैगी बनाएं, तो इसलिए रितु के पापा लेके आए मैगी बाहर दुकान से। तो चलो अब बनाती हूँ फटाफट से मैगी और करते हैं संडे स्पेशल नाश्ता। क्या खाना है आपको? मैगी बनानी है आपके लिए। कौन लेके आए मैगी? पापा लेके आए। तो चलो आप पापा के साथ बैठो, मैं आपके लिए मैगी बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैगी बनाने के लिए रख दी है अभी, ये थोड़ी देर तक बनती रहेगी। जब तक ये बनती रहेगी तब तक मैं रितु के साथ उसके पापा के साथ बैठती हूँ, उसके बाद हम लोग नाश्ता कर लेंगे। तो हम लोग का हो गया था नाश्ता सुबह का, उसके बाद हम लोगों ने मैंने काम पूम किया, और अभी हम लोग तैयार स्कूटी। तो हम लोग हो गए हैं जाने के लिए तैयार। हम जा रहे हैं अभी रितु की नानी के घर पे दिन के खाने के लिए, और तो हम लोग जा रहे हैं आज नानी रितु के नानी के घर स्कूटी से। तो चलो फटाफट से लॉक लगा दूंगी, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। धूप होने में चाबी इसके बैग में डाल देती हूँ ना। चले रितु, चलो। माय फेवरेट रोड। तेरे पापा क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हो तुम? हैं? कुछ बोल रहे थे ना तुम? हैं? क्या बोल रहे थे? बोलो। हाँ। नहीं है जो पैदल का रास्ता। देख रहा अपने पापा को। यस। अरे तबीयत खराब करना हो रही क्या उसकी? नाना की गोद में खड़ा बैठ गया। यहाँ पे है मम्मी, तो मम्मी बना रही है हमारे लिए जूस, पानी दे रही है बना के। ये है डॉलर हमारा। कहाँ? वो उसने तूने सोचा ना बांधने के लिए। ये देखो हम लोग आते हैं, यहाँ कोई भी आता है ये ऐसे पागल हो जाता, पर अपने जब हम लोग अपने अपने आते हैं ना दी इंजॉय में आऊ ना गया तो ज्यादा होता है ये। रितु के पापा लगे हैं यहाँ भी फोन पे, और ये देखो अपनी मामा की गोद में बैठ गया। नानी ए माँ को दिखा। रितु के लिए भी है। रितु ए माँ जूस लेके आ रही है, ले। आप नहीं पी रहे? पी लो। अभी तो ठीक है, उस टाइम किया ना उसने। किसने मारा आपको? तो नागी यहाँ बिल्कुल। तो रितु जब भी नानी के घर आता है रितु की ऐसी खातिरदारी होती है, सब आगे पीछे घूमते रितु की। अभी देखो जैसे बोलेगा वैसे ही कराता है वो अपना पैनों की। कैसी
नाना के कान में देखना है ना। रितु आप तो बड़े वाले बच्चे लग रहे हो। तो मम्मी ने लगा लिया हमारे अभी दिन का खाना, और आज मम्मी ने दिन के खाने में बनाई हरड़ की दाल, भिंडी की सब्जी और रायता और जीरा राइस बना रखा है। और ये रितु ना सबको कमरों में जा जाके बुला रहा कि खाना तो खाने आओ। जी के साथ खा। जाओ आप अपने नाना जी के साथ खाओ। नाना के साथ खा। ले, 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 ना। रिदु मान ले टेबल का बराबर है नहीं कि खाना डाइनिंग टेबल में। ये अपने नानी के साथ यहाँ पे बैठ रखा था, इसने अपने पापा को देखो यहाँ बैठना है कि मुझे खाने के लिए। किसी को सच्चाई पता चलेगी रिदु इतना लंबा क्यों रखा। क्योंकि रिदु तक यहाँ पे बैठ रखा है। तो रिदु की इतनी लंबी हाइट होने का राज क्या है? तकिया चेयर के ऊपर तकिया रख रखा। रिदु नागी यहाँ क्या बोल रहा तू? मामा को भी बता, ऐसे काम तो आते तुझे। पापा जी खा रहे हैं यहाँ पे, मम्मी और मैं खाएंगे थोड़ी देर में। तो अभी हम लोग का हो गया है दिन का खाना, और पापा रिदु के पापा नागी सब और यार मतलब अपने अपने कमरे में सोने चले गए, और रितु तो आज अपने मामा जी के साथ सो गया है। तो ये दोनों मामा भांजे दोनों को नींद आ गई, और हमारे रितु को भी नींद आ गई, और उसके मामा को भी नींद आ गई। मैं और मम्मी इधर आ रहे थे अभी, मम्मी यहाँ से थोड़ा सामान सामान लेके जाता, पर देखा दोनों सो गए। तो रितु और नागी तो सो गए हैं, इनको हम तब तक ऐसे ही सोने देते हैं। मैं पहले बर्तन धुलूँगी, मम्मी किचन साफ कर दी, उसके बाद मैं यहाँ से रितु को लेके जाऊँगी। तो मैंने अभी दिन के बर्तन तो धुल दिए हैं, और रितु को भी हम यहाँ पे लेके आ गए सोने के लिए। यहाँ पे मैं रितु की नानी और रितु सो रहे हैं। चलो थोड़ा दिन में आराम करते हैं, उसके बाद चाय चू पी के हम भी जाएंगे नीचे अपने घर। तो हमारे रितु सो के उठ गया है, और इसका मामा हो रहा है घूमने के लिए जाने के लिए तैयार। ये बिल्कुल अपने मामा के साथ इधर उधर आगे पीछे घूमने पर लग रखा है। जो जो उसका मामा कर रहा है वो वही कर रहा हो, जो जो पहन रहा है वो रितु को भी करना है। क्या कर रहे हैं मामा? वो देखो घड़ी, देखो ये तो पूंछ बन के घूम रहा अपनी मामा की। चल ठीक है फिर। हाँ ओके बाय, बोलो बाय मामा। तो नागी चली गया है अभी घूमने, और मम्मी और भी थी, मम्मी और की कॉलोनी में मीटिंग थी, तो मम्मी पापा वहाँ जा रहे हैं। मेरी भी नींद खुल गई थी क्योंकि रितु भी उठ गया था। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी और अभी शाम को जाते हैं वहाँ, इधर पास में डेयरी है तो दूध लेने। तो मैं सोच रही हूँ मैं और रितु अभी दूध लेके आ जाएं, और जब मम्मी और आ जाएंगे उसके बाद हम लोग चाय बनाएंगे। तो हमारे रितु ने यहाँ पर पकड़ा हुआ है दूध का डब्बा, और आज रितु नानी और को दूध लेके आएगा। ठीक है ओके चलो। इसको पता है नाना दूध लेने कहाँ जाते हैं, तो ये रास्ता बताएगा आज मेरे को ना। अब कहाँ जाना है? अब कहाँ जाना है? अब किधर को जाना है दूध लेने? कहाँ जाना दूध लेने? चलो प्रणाम करो, प्रणाम करो। रितु इधर जाना है, रितु यहाँ है दूध, वहाँ घर का रास्ता है, यहाँ है दूध लेने। इधर आओ, यहाँ है दूध। बुल्ली देख, बुल्ली बुल्ली देख। अब गाय तो हम लोग पहुँच गए अभी डेयरी में। रितु लेगा आज दूध ना, है गाय। गाय क्या बोल रहे तू? गाय से गाय पता है आपको किसका दूध लेना है? भैया गजेंद्र सिंह बिस्ट कहाँ है दूध? किसका बेटा? गजेंद्र सिंह। हाँ कहाँ है दूध? हाँ आज कहाँ जा रही मम्मी? अच्छा मेरी मम्मी
उनकी थोड़ा कॉलोनी की मीटिंग है ना वहाँ, कॉलोनी की मीटिंग है ना। अच्छा अच्छा, तो वहाँ है। अभी मम्मी को दे दो। तो अभी हम लोगों ने दूध दे लिया है और आते हुए भी रिदु कह रहा है कि मुझे दे दे, मैं लेके जाऊँगा, और ये भारी है तो इसलिए मैंने आधा इसके पास पकड़ा रखा, आधा मैंने पकड़ा हुआ है। आपको जाना है दूध लेने, आप लेके जाओगे दूध लेके? आप ले जा लोगे? नहीं, मम्मा पकड़ के लेके जाए, आधा आप पकड़ो आधा मैं पकड़ो। रिदु वो कौन खेल रहा, कौन खेल रहा भैया? तो रिदु के मिल गए यहाँ पे बच्चे, और उसने दूध दा सब छोड़ के और भाग गया उनके पास। कौन है? चल घर चल। तो हम लोग आ गए हैं घर पे दूध लेके। अब मैं इसे गर्म करने के लिए रख दूंगी, और रिदु के पापा उठ गए, तो रिदु अपने पापा के साथ बैठेगा, ठीक है? चले गया वो। तो अभी पापा और मम्मी आ गए हैं, और इसको देखो समोसा खा लो। मम्मी ने, तो मम्मी ने चाय बना दी है। हाँ, यहाँ पे रिदु के पापा उठ गए, तो ये तो पी रहे हैं। क्या चाहिए, किस चीज की चाबी चाहिए? स्कूटी की? ये लो, कितना खुश हो रहा। अभी हम लोग स्कूटी की चाबी पीते हैं, बोल रहे हैं। तो अभी हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे घर के लिए। बोलो किसने बोले पकड़ने के लिए जो बारी हो रही है। हम लोगों ने अभी पी ली है शाम की चाय, और अब हम लोग निकलने के लिए हो गए हैं तैयार। तैयार हो गए, तो चलो अब निकलेंगे घर के लिए। आप जाओ, ठीक है? रिदु पापा जी ये दे दो उनको, वो भी दे दो, वो भी आगे रख देंगे। ये भी रख दूंगी। रिदु बाय। अभी उसको पता नहीं है ना मम्मी ने चप्पल नहीं पहनी, मेरी चप्पल भी ढूंढ के लेके आएगा। रिदु रिदु मैं तू आप जाओ बाय। मेरी चप्पल नहीं मिल रही रिदु। बाय डॉलू, खिलाएंगे हाँ, बाय। चलो ऊपर कर लो पूरा स्टैंड ढंग से। रुको चल चल, ठीक है हाँ। रिदु आप यहीं रहो, ठीक है? पीछे इसको रख दो आगे। तो हम लोग निकल गए हैं अभी घर के लिए, और सबसे पहले हम मेरे के लिए मोमोज खाएगा, हम पहले लेंगे मोमोज, उसके बाद निकलेंगे घर। तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी घर पे, और कपड़े कपड़े चेंज कर दिए हैं, मुँह हाथ धो लिया है, और अब खाएंगे हम मोमोज। आते हुए हम लोगों ने, जैसे मैंने बोला था मोमोज लेंगे, तो मोमोज ले लिए, लेके आए हम लोग, और अब फटाफट से मोमोज खाएंगे। ये है मोमोज, और आज मैंने सूप भी लिया, चलो फटाफट से अंदर लेके जाती हूँ और खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है सबके लिए मोमोज, तो यहाँ पे खा रहे थे के पापा हमारे रिदु, और यहाँ मेयोनीज भी बची थी, सॉस भी रख दिया है, तो रिदु के लिए सॉस में खाएगा, हम लोग चटनी में खाएंगे। तो चलो खाते हैं मोमोज और करते हैं इंजॉय, ठीक है रिदु? बेटा ये चीज़ें खाने के लिए मना मत करना तू। तो हम लोगों ने अभी मोमोज वगैरह तो खा लिए हैं, और बैठे थे ऐसे गप्पे मार रहे थे। अब मैं करूँगी रात के खाने की तैयारी, और आज मैं सोच रही रात के खाने में बनाने के लिए शिमला मिर्च। चलो देखती हूँ क्या क्या बनाऊँगी। और बाहर अभी मौसम तो ठीक है, बारिश तो हो नहीं रही है, रास्ते में लग गई थी हल्की फुल्की बूंदा बांदी, पर अब तो नहीं हो रही, इधर तो हुई नहीं हमारी तरफ। चलो देखते हैं कैसे कैसे रहता है रात पर मौसम। और हमारे रिदु देखो पीछे सामान लेके आए हैं, जो हम उसमें से देख रहा है क्या क्या है इसमें। तो चलो आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।